नूर मुकदम कत्ल केस से मुतालिक अपडेट शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुलजम ज़ाहिर जाफर की वालदा असमत जाकिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जानते हैं ज़ुल्कनैन इकबाल से। जी ज़ुल्कनैन, देखिए खातून होने की बुनियाद पर इसमें जाकिर को फायदा मिला है और उनकी दरखास्त जमानत अदालत ने मंजूर कर ली, जबकि उनके जो वालिद थे ज़ाहिर जाफर के, जाकिर जाफर, उनकी जो दरखास्त जमानत है वो अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में जो डिक्टेट किया गया, अदालत ने उसमें करार दिया है कि जो इसमत जाकिर है उनका किरदार सानवी हैसियत का है और उनमें खातून होने का फायदा देते हुए अदालत जमानत पर रिहा करती है। साथ ही साथ जो मुलजमान की सदा थी हाईकोर्ट का फैसला कलदम करार देने के वाले से कि 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म कलदम करार दिया जाए, उसे अदालत ने मुस्तरद कर दी और कहा है कि मुलजमान को शफाफ ट्रायल का पूरा जो है हक मिलेगा, लेकिन जो 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म है उसके अंदर अदालत किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगी। इन ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो दरखास्त जमानत है वो खारिज कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।